दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं आलू का ऐसा नाश्ता जिसे खाने के लिए बच्चे तो बच्चे बड़े भी टूट पड़ेंगे। इतना आसान टेस्टी नाश्ता है कि इसके आगे फीका लगे डोमिनोज का पिज़्ज़ा पास्ता, वो भी कम बजट में बड़े आसानी से घर पे बनाए। तो वीडियो की शुरुआत में हमें पहले चाहिए आलू। यहाँ पर ये मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू को अच्छे से बॉईल करके लिया है। तो पहले हम कांटे वाले चम्मच की हेल्प से आलू को मैश करके लेते हैं। चाहे तो आप कद्दूकस करिए, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि गुठलियाँ ना रहे, ऐसा स्मूथ होना ज़रूरी है। अभी इसमें जाएगा दो चम्मच गेहूं का आटा और दो चम्मच अरारोट। चाहे तो इन दोनों के बदले सूजी का पाउडर और चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी स्वादानुसार नमक डालकर हाथ से मिलाते हुए बिना पानी डाले डो लगाइए। दोस्तों अरारोट और गेहूं का आटा आपको थोड़ा कम या ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आलू में से मॉइस्चर कितना रिलीज होगा उस पर डिपेंड रहेगा। ये देखिए, इसमें मैंने और एक चम्मच अरारोट डालकर डो बना के लिया है। तो आधे पोर्शन को लेके पहले लोई बनाकर चकले पे या सरफेस पर थोड़ा सूखा आटा डालकर बेल कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला बेल कर ना ले, थोड़ा सा चाड़ा ही बेल कर लीजिए। और बेलते समय सूखा आटा लगाने की ज़रूरत पड़े तो आटा लगाते हुए ऐसे बेल कर लेना है। अब कांटे वाले चम्मच की सहायता से हल्के हल्के प्रेस करते हुए आप वीडियो में देख रहे हो वैसे लाइन बनाते जाइए। तो ऐसा शेप देने के बाद हमें इसे छोटे छोटे स्ट्रिप में काट लेना है। तो साइज में थोड़े छोटे या बड़े जैसे चाहे वैसे काट सकते हो। तो ऐसे काट लेने के बाद इसमें से एक एक पीस उठा के रोल की तरह किसी एक साइड से लपेटते हुए शेप देना है। चाहे तो आप इसे किसी और शेप में भी बना सकते हो, लेकिन इसे बनाना थोड़ा आसान होगा। लपेटने के बाद दबाकर चिपकाने की ज़रूरत नहीं। तो पहले ऐसे एक साथ नाश्ता बना के तैयार करें और पानी को गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ा के पानी में डालिए आधा छोटा चम्मच तेल और थोड़ा विनेगर डाल के पानी में उबाल आने का इंतज़ार करिए। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तब बनाए हुए नाश्ते को डालना है। ध्यान रखिए कि जब पानी उबल रहा हो तभी डालें। और दूसरी बात यह है कि डाल देने के बाद तुरंत चम्मच ना चलाए, बल्कि थोड़ा सा पकने दे। तो पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। यानी कि जब ऐसे पानी के ऊपर तैरने लगेंगे तो समझ लेना कि पक चुके हैं। अभी इसे निकालकर ठंडे पानी में रखेंगे ताकि ये ज़्यादा ओवरकुक ना हो। तो इसे थोड़ी देर यहीं पर छोड़कर आगे की प्रोसेस के लिए मैंने एक चम्मच तेल को गर्म करके पहले डाला है फाइनली चॉप किए हुए 6 लहसुन। तो लहसुन को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बल्कि कच्चापन निकल जाने तक चम्मच चलाकर लगभग 2 चम्मच टोमेटो केचप, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और आधा चम्मच सोया सॉस डालकर फ्लेम को धीमा करके 30 से 40 सेकंड तक भून कर लेना है। अब इसमें डालना है हमने जो नाश्ते को बॉईल करके लिया था उसे। अभी इस पे डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन ग्रीन पार्ट और चुटकी भर नमक, थोड़ा सा हरा धनिया। आप चाहे तो इसमें आप आपके पसंद के अनुसार कुछ ड्राई मसाले भी डाल सकते हो, जैसे कि चाट मसाला और ओरिगैनो। ये देखिए नाश्ता बन के तैयार है। तो इसे एक बार ज़रूर बना के देखें, बच्चे तो बड़े प्यार से खाएंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।